फिल्म के बारे में एक सोशल इनिशिएटिव है जी. सो यू नो यू बीन नोन फॉर योर कमर्शियल फिल्म्स एंड टेलीविजन, सो व्हाट वाज द रीजन टू टेक अप अ सोशल इनिशिएटिव फिल्म? Yeah, I think like as an actor, I feel some responsibilities towards the society. So when I met Nirmal sir and Sahib, जब इन्होंने ये project के बारे में बताया, that a रास्ते हैं, it was a wonderful subject. तो बस वही है कि एक as a duty I was thinking कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी चाहिए. So there is a very simple reason to do this film रास्ते हैं. So I enjoyed really, and I think लोग भी इसको अच्छे से लेंगे, and the message we try to convey तक पहुँचेगा और वो इसके ऊपर अमल करेंगे और जो हमारी ड्यूटीज हैं तो हम पूरी करेंगे. गाइस फिल्म में डायलॉग्स नहीं है, यू नो दैट्स अ ब्यूटी ऑफ द प्रोजेक्ट. जी सब एक्सप्रेशंस हैं, तो व्हिच इज हमने अभी देखी फिल्म में, इट्स जस्ट ऐप. तो कैसा वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई मीन इट्स अ शॉर्ट फिल्म, 2 मिनट्स. यार इट्स अ वंडरफुल, लाइक वही आप इनकी सोच थी उनकी कि इसको उस तरीके से हमने प्रेजेंट करना है. एंड आई मतलब मैसेज के साथ साथ एज एन एक्टर जब आपको कुछ ऐसा चैलेंजिंग करने को मिलता है तो वो हमेशा आपके लिए एक अच्छा भी होता है, क्योंकि कोई भी एक्टर ऐसी चीज़ें करना चाहेगा जिसमें एक चैलेंज हो. सो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, तो बहुत अच्छा है. श्वेता आपसे जानना चाहेंगे फिल्म के बारे में, इट्स अ वुमेन यू नो इशू बेस्ड फिल्म, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? जो सवाल हमने गैबी से पूछा अभी कि एक्सप्रेशन बेस्ड है, यू नो अनलाइक योर अदर प्रोजेक्ट्स, सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? इट वाज वंडरफुल बिकॉज व्हेन साहिब एंड निर्मल अंकल केम अप टू मी विद दिस थॉट, आई वाज वेरी थ्रिल्ड, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वर नो डायलॉग्स, सो इट इज इवन मोर चैलेंजिंग फॉर अस बीइंग एन एक्टर टू परफॉर्म एंड यू नो डिलीवर अ मैसेज टू पीपल विदाउट अ डायलॉग. So this was a great, great task for us, and thank you, Sahib, for you know having faith on us and giving this to us. And I hope you guys like it. And जो हम message आपको convey करना चाहते थे, I hope वो message आप सबको convey हो without dialogues. Yeah. Sahib, आपका first venture है ये big films का, तो क्या experience है? और social message वाली film आपने choose की as your first project, so क्या कहना चाहोगे? Firstly, सोशल मैसेज का रीज़न यही था बिकॉज मैं एक फैमिली को बिलोंग करती हूँ. मेरे फादर ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर, तो कहीं ना कहीं यंग एज से हमारे को एक इंटरेस्ट था विद रिस्पेक्ट टू द सोशल कॉजेज एंड वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन द सोसाइटी. तो वो एक सबसे बड़ा रीज़न था कि मेरे को इंटरेस्टेड थी मैं ज़्यादा कुछ ऐसा डिलीवर करने में जो एक मैसेज दे. एंड फर्स्ट वेंचर है तो बहुत एक्साइटेड थे इसको लेकर, प्लस आई गॉट वेरी लाइक अमेजिंग टीम. मेरी टीम बहुत अच्छी थी, मेरे एक्टर्स बहुत ही बढ़िया थे, सो थैंक्स टू दीज गाइज एक्चुअली इट कुड हैपन. निजी जिंदगी में हम कभी बात करें तो कभी ऐसा कोई वाक्या हुआ आपके निजी जिंदगी में कि आप कभी कहीं सड़क पे हो या लिफ्ट में, जैसे अभी लिफ्ट का जो सीन आपने दर्शाया है, कभी ऐसे निजी जिंदगी में कभी ऐसा कोई वाक्या हुआ हो कि आप डर गए हो? मैं मेजर अपना लाइफ का जो टाइम है मैं चंडीगढ़ में रही हूँ, और विद रिस्पेक्ट के सिंस इट्स नॉर्थ एंड कहीं ना कहीं एक वो चीज़ रहती है कि नॉर्थ में बहुत सेफ्टी इश्यूज हैं गर्ल्स को लेकर, तो हमेशा एक ये चीज़ रहती थी कि अगर कभी काम पर हैं या कभी कॉलेज से या कहीं लेट हो गए तो एक इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई हमारे आसपास है या नहीं है, वो एक डर रहता था कि टाइमली घर पहुंच जाएं. घर वालों को चिंता रहती थी अगर घर से बाहर हैं तो टाइमली आ जाएं. तो वो उसके अलावा एज सच कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया. बाकी मैं ये जो एक आई जस्ट वांटेड टू अपील टू एवरीवन कि जो हमने अपनी फिल्म में दिखाया भी है कि वही अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो समटाइम्स हम किसी का कि कोई शायद पुलिस आए या कोई आए हमें बचाए. You have to help yourself. Yes, तो वो जो हमारा है कि अगर वो जो आपके अंदर का डर है अगर आप वो निकाल दें एज अ बॉय एज अ मैन. अगर मैं ये सोचूं कि लड़कियों का आजकल जैसे साहिब सेड कि दे फील अनसेफ, बट
अगर मैं किसी को कुछ थोड़ा सा मेरा रॉन्ग अप्रोच होगा, बट बिलीव मी, ट्रस्ट मी, अगर मुझे सामने से उसने आंखें भी निकाल दी या मुझे थोड़ा सा भी उसने आगे कुछ बोला, तो वो मेरे अंदर हो जाए कि नहीं यार मैं इसे दूर ही रहूँ. सो दैट थिंग आई रियली वॉन्टेड टू से टू ऑल द वेमेन ऑफ आर कंट्री या इन द वर्ल्ड, कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी कभी किसी के साथ ऐसा डर, ऐसी कोई चीज़ महसूस होती है, तो प्लीज़ आवाज़ उठाएं. हम ये सोच के कि शायद के मेरे घर वाले क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, कुछ नहीं होता. तो फिर अगर आपके मन में वो सोचा कि वो क्या कहेंगे, तो फिर सहते हो. एंड दिस इज़ वेरी ट्रू, आई विल एड ऑन टू दिस, कि जो लोग ऐसे बिहेव करते हैं या अनकम्फर्टेबल आपको फील करवाते हैं, ये लोग एक्चुअली बहुत डरपोक होते हैं, क्योंकि किसी के सामने कुछ नहीं करवाते. सो अगर आप इनको थोड़ा भी जोर से यू नो, चाहे आप चिल्ला दें, चाहे आप कुछ भी ऐसे कुछ एग्रेसिवली कुछ करेंगे, तो ये डर के अपने आप ही भाग जाएगा. आप सहूलियत के हिसाब से चुप ना बैठे. जो भी आपको सही एक कदम लगता है, जरूरी नहीं है कि इमीडिएट आप उसको बाउंस बैक करो, क्योंकि कई बार ये है कि जुल्म को सहे ना. There are ways, रास्ते हैं, तो कौन से रास्ते हैं, कैसे हैं, वो आप निकालें. क्या भी आपको लगता है कहीं ना कहीं जो सिनेमा का जो अप्रोच है, यू नो व्हाट यू कुड टेल इन अ 2-3 आवर फिल्म, अब वो चीज़ बहुत ब्यूटीफुली एक शॉर्ट फिल्म फॉर्मेट में बोली जा सकती है. जी. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? या ट्रूली अग्री ऑन दिस, बिकॉज ऐसे है कि जैसे देर आर लॉट्स ऑफ मेकर्स, ओके, और छोटी फिल्म में ये क्या है कि बड़ी की अगर ऊपर जाए तो बजट, देर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, उसको बाद उसका रिलीज करने का है ना. बट नाउअडेज लाइक डिजिटल, इट्स अ डिजिटल लाइफ, तो अगर ना कोई सेंसर के, अगर यूट्यूब के ऊपर भी आप डाल देते हैं, ओके, सो इट्स वेरी इजी टू गिव योर मैसेज इन वेरी शॉर्ट वे. सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अ शॉर्ट फिल्म आई गेस. और कहीं पे भी मैंने इवन आई माई सेल्फ, अगर मुझे कोई चीज़ दो बातों में एक मैसेज आता है, आई ऑलवेज रिकॉर्ड इट ऑन मोबाइल, तो वो करके आप डाल सकते हो. सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल, अगर कभी भी, और बहुत से लोग ये चीजें कर रहे हैं. सो आई रियली अप्रिशिएट ऑन दैट. श्वेता, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? या डेफिनेटली आई थिंक एक्चुअली किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम सोशल मैसेज दें और वो पूरा 2 घंटे देखें. आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड मीडियम ऑफ शॉर्ट फिल्म्स, कि हम अपने मैसेज को क्विकली और फास्ट, क्रिस्प फास्ट, एंड हम अपने ऑडियंस को दिखा सकते हैं. सो आई थिंक दैट इज really nice. There should be more of short films sending messages, because कोई भी जब आप किसी को सीख देते तो 2 घंटे नहीं सुन सकते. So let's make it short, crisp, and people understand it first. Sahib, what is your take? First film being short, was it the budget constraint or the message? What would you like to say? I would say it was definitely the message. Budget and all is, you know, a secondary thing. बाद में हम लोग, obviously if you think of making something, तो कहीं ना कहीं से कुछ हो जाता है मैनेज. बट आई हैड दिस थिंग इन माइंड दैट आई हैव टू स्टार्ट विद अ शॉर्ट फिल्म, सो दैट विद दैट आई कैन एक्सपीरियंस हाउ टू वर्क, एंड मेजरली वही था, बाकी कुछ ऐसा नहीं. बजट का हमारे प्रोड्यूसर्स की तरफ से कोई इशू नहीं, पूरी हर तरीके से पूरी सहूलियत दी है. एंड आपने बहुत अच्छे से शूट किया एक्चुअली, जो कैमरास भी यूज, या वी ट्राइड टू, या वी ट्राइड कि हम लोग कहीं पर भी, मतलब इवन दो इट वाज अ शॉर्ट फिल्म, वी मेड श्योर दैट इट वो इट वुड बी शॉट इन अ प्रॉपर फीचर फिल्म. या क्वालिटी वाइज एंड पोस्ट प्रोडक्शन एवरीथिंग दैट वाज लाइक I did A grade, काफी अच्छे से. कभी उन्होंने कोई हमारे प्रोड्यूसर्स में पैसे के मामले नहीं, मैं बिल्कुल तक नहीं किया, मेरा कोई ड्यू भी नहीं है. थैंक यू. बात करें बॉलीवुड में, अगर इंडस्ट्री की बात करें, तो काफी सारे मीटू कैंपेन के लेके हम बात करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपके शॉर्ट फिल्म में दर्शाया गया है? कई सारे ऐसे इंडस्ट्री में भी होते हैं, लोग मोलाइज करते हैं या फिर प्रेशराइज करते हैं किसी चीज को मनवाने के लिए, आप उसके बारे में आप क्या कहेंगे? या सबसे पहले तो ये कि दिस इज नॉट हैपनिंग जस्ट इन द इंडस्ट्री, ओके, एंड आई अप्रिशिएट दिस मी टू. और ये है कि चलो एक टैग, एक मुहिम बन गई है ये मी टू. अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब हमारा ये टॉक सेशन चल रहा था, तो आई सेड दैट कि आवाज़ उठाएं, तो मी टू इज़ वही है
वो उनकी आवाज़ वो ये है कि हम थोड़ा सा उन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, अपना इनिशिएटिव कम लेते हैं. सो बहुत अच्छा है मीटू का ये, लेकिन इसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना कोई अगर एक अच्छी मुहिम चली है, क्योंकि उसके साथ अगर चार नेगेटिव चीज़ें जुड़ जाएंगी तो एक विश्वास उठ जाता है. और मैं क्या है कि न्यूज़पेपर में मैं बहुत चीज़ें पढ़ी और मुझे पता भी है कि क्या 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 हुआ, और काफ़ी लोगों ने बिना वजह मीटू को मिसयूज़ किया हुआ था. तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. एक अच्छी चीज़ आपको मिली है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला कि आप अपनी आवाज़ कह सकते हैं, तो शायद इसके ज़रिए जो किसी के साथ 10 साल पहले हुआ, अगर वो तब आवाज़ उठा लेती तो उनको मीटू की ज़रूरत नहीं थी. सो दिस व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि कोई भी आपके साथ कुछ ऐसी घटना होती है, कुछ भी, मीटू इज़ नॉट जस्ट फिजिकली, इट्स मेंटली ऑल्सो. तो कभी भी आपको लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसा मेंटली फिजिकली कुछ हो रहा है, इमीडिएट आवाज़ उठाएं. बच्चा भी जब छोटा होता है उसको भूख लगती है, जब तक वो रोटी मांगता नहीं तो माँ शायद देती नहीं है. तो जब तक आप अपना अपना वो चीज़ डिमांड रखेंगे नहीं, या अपना दुख किसी को बताएंगे नहीं, कोई एक्शन उठाएंगे नहीं, तो ठीक है, फिर तो सब चीज़ें चली रही हैं. ये एक वाक्या था जहाँ पे मतलब जब उन्होंने आवाज़ उठाई थी, लेकिन उनकी आवाज़ सुनी नहीं गई थी. अब वो 10 साल बाद आई या जो भी हुआ, वो आगे नहीं, किसने किसने आवाज़ उठाई थी, किस चीज़ के बारे में आप बोल रहे हैं कि तब नहीं सुनी गई थी, 10 साल बाद सुनी? 10 साल बाद, 10 साल पहले भी जब केस हुआ था उन्होंने FIR दर्ज किया था, लेकिन उसमें वो टाइम पे वो सुने नहीं थे. किम का मुझे पता नहीं, दस किसके बारे में बात कर रहे हैं? दत्ता, तनुश्री दत्ता. ओके, वो उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, बिकॉज विदाउट मैं सिर्फ पढ़ के या कुछ ऐसा, आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि इंसिडेंट क्या हुआ था. सो अगर आवाज़ नहीं उठाई गई थी, व्हाट वाज द रीजंस, वो पता नहीं, वो उनको एक्शन लेना चाहिए. अगर तब आवाज़ नहीं सुना उनकी सुनाई दी, क्यों नहीं की, तो उसका मुझे तो आज जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ मुझे कोई एक्शन दिखा नहीं. अगर वाकई उन्होंने तब आवाज़ उठाई थी, व्हाट वाज द रीजंस कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई थी, तो कौन उसका जिम्मेदार है, तो उनको लेके आना चाहिए. अपने सही तरीके से उसका मिस यूज नहीं करना चाहिए, तो अगर आप सही तरीके से उस चीज को यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे. एंड आई हैव टू टेल यू दिस कि जब आपको कोई छेड़ता है या कई बार आप रोड पे चल रहे हैं, नॉर्थ में ऐसा बहुत होता है, कोई स्पैंक कर देता है, वो जो एक जो वो चीज़ जो आपके जहन में रह जाती है, बिकॉज इट्स अ एक्सपीरियंस दैट आई हैव सीन व्हेन आई वाज इन पुणे, आई वाज इन कॉलेज, देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, सो कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ स्पैंक किया था, वो वापस आई, वो इतना रोई थी मतलब, एंड उसका इम्पैक्ट उस पर बहुत टाइम तक रहा. इनफैक्ट इवन आज भी वो अकेली सुनसान रोड पर नहीं चलती. तो वो जहन पे आपके लिए एक छोटा सा चीज़ होगा, आपने किया और आप करके निकल गए, लेकिन जिसके साथ वो हुआ है वो उसकी लाइफ को देखने का और उसकी कई चीज़ें बदल देती है. सो डेफिनेटली आई थिंक गर्ल्स शुड कम आउट, अगर उनके साथ कुछ भी इस तरीके का हादसा होता है, दे शुड कम आउट, दे शुड टॉक अबाउट इट, क्योंकि जब तक आप अंदर रखेंगे वो उतना एक नासूर की तरह बन जाएगा. सो प्लीज़ टॉक अबाउट इट, एंड वी हैव टू स्टैंड फॉर ईच अदर, एंड आई एम सो ग्लैड दैट इवन देयर आर मेन हु stand for women for that matter, and it's a time where we all have to help ourselves, so nobody is going to help. Exactly the way she said, कई बारी हम किसी की छोटी सी मजाक मस्ती किसी और की लाइफ पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल देती है. उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि उन्होंने बस एक मस्ती की और वो लोग तो आगे बढ़ गए, लेकिन जिस इंसान पर उस वक्त, क्योंकि हर किसी की एक मेंटल स्टेट कैसी है, किस टाइम पर वो चीज़ हुआ और उसने किस तरह का इम्पैक्ट डाल दिया किसी इंसान पर, वो जिन्होंने किया उनको नहीं मालूम चलता है. तो कहीं ना कहीं इट्स बेटर कुछ भी हुआ और हम उसी टाइम उसको रिपोर्ट कर दें, उसके बारे में बात करें या किसी और से शेयर करें, तो डेफिनेटली वो एक सबसाइड होता है और हमारे को एक बेटर तरीका मिलता है उससे गेट ओवर करने का. एंड आई वुड जस्ट वांट टू ऐड कि लेट्स बी लिटिल मोर रिस्पांसिबल. अगर हमें कोई पावर मिलती है, लेट्स यूज इट रिस्पांसिबली, लेट्स नॉट मिसयूज इट. थैंक यू.
बच्चे जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? शॉर्ट फिल्म में आपने कई सारे किरदार रखे, लेकिन ये शॉर्ट फिल्म जो बिना बोले बहुत कुछ बोल जाता है, बहुत सारी बातें कर जाता है, आप अपने किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो बताओ क्यों डायलॉग, मतलब कोई करेक्टर होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारी बातें डायलॉगों से नहीं कही जाती, कुछ एक बातें ऐसी हैं कि बिना डायलॉग के हम जो कह देंगे वो डायलॉग से नहीं चल सकता है। तो बहुत अच्छा लगा था, उसका कंटेंट बड़ा अच्छा था। सर, हम जब इस तरह के वाक्य हम देखते हैं कि मतलब नॉर्मली जब लड़कियां हो या जब सड़क पे चलती हैं या स्कूल में, कॉलेजेस में या लिफ्ट में, कई सारी ऐसी जगहों पे लड़कियां बहुत डरी हुई रहती हैं, बहुत सहमी सी जाती हैं जब कोई इनअप्रोप्रिएट तरीके से उनसे बात करने की कोशिश करते हैं या फिर इशारे करते हैं, वैसे उस टाइम पर आप क्या कहना चाहेंगे उनको, किस तरह से डील करना चाहिए? कि हर वक्त तो आदमी या फिर जो अपने सेफ ही जो जहाँ पे वो सेफ करती हैं या वो वैसे लोग नहीं मिल पाए, तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो लड़कों को भी थोड़ा समझाओ, सिखाओ संस्कार को। लड़कियों को बार बार कहते रहते हैं कि आगे नहीं निकलना, ये नहीं जाना, टाइम खराब हो गया, ये हो गया है, तो हमको लड़कों को भी समझाना चाहिए, बेटा कहाँ घूम रहे तू 11 बजे तक। तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। लड़कियाँ तो आज भी वही है जो 50 साल पहले थी, तब भी अच्छी थी, आज भी अच्छी, ये हमारी अपनी सोच है। तो उसके लिए हमें पहले जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा संस्कार देने की बहुत जरूरत है। और ऐसा कुछ नहीं है, आजकल तो बहुत ही एकदम टाइम ऐसा आ गया है कि हमारे टाइम तो बच्चे भी जो है ऐसे सर झुका करके खड़े रहते थे, अभी तो वो भी फटाफट बोल देते हैं, तो बच्चे भी बहुत एक्टिव है आजकल, ऐसा नहीं होता, लेकिन उनको सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है। आप इस फिल्म से अपने दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप उनके लिए कि इस फिल्म से क्या आप निजी जिंदगी में ढाले खुद को? फिल्म तो ऐसा है, देखो जैसे कि मैंने बाचपन का किया है, तो आप यही मत समझिए कि आप बहुत ताकतवर हैं या बहुत पैसे वाले हैं या बहुत अप्रोच वाले हैं तभी आप किसी की मदद कर सकते हो। पहली बात, आपको अगर किसी की मदद करनी है या उस तरह से उसको डर से मतलब निकालना है तो आप वाचमैन भी कर सकते हैं उसको। तो ये सोचना कि भाई इसके हम लायक नहीं हैं, हम इसलिए नहीं कर पाए, ये गलत बात है। आदमी को खुद अंदर ये होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है किसी, तो कर सकता है कोई भी हो, इसमें कोई ये फैक्टर नहीं है कि भाई वो छोटा आदमी हो बड़ा आदमी हो, ऐसा कुछ नहीं। और लड़कियों के लिए क्या कहेंगे, किस तरह से वो अपनी आवाज़ उठाए इस तरीके से जब वो कहीं पे फंस जाए, तो या फिर क्या क्या कहेंगे आप? लड़कियों की तो सबसे बड़ी ये है, लड़कियों को जैसे मेरा अपना पर्सनल बताता हूँ, तो मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो लॉ कर रही है और बेटी को या नहीं, लड़कियों को तो मैं वैसे भी बहुत ये करता हूँ, और मेरा तो कहना ये होता है बिल्कुल निर्भीक रहना चाहिए। कुछ ज़्यादा है क्या लड़के के पास, कुछ ज़्यादा है क्या बताइए? दो हाथ पैर आँख नाक वही उसके पास है, वही उसके पास है, बस वो शिक्षा वाली बात है, हम लड़कों को वो शिक्षा नहीं दे पाते, तो बदतमीजी करते हैं। और लड़कियों को बार बार हम ये कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, इससे बात नहीं करनी, क्यों नहीं करनी भाई, हम तो अपने घर से शुरू करते हैं ना। तो वो है लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा है, और ये फिल्म के जरिए तो अच्छा है। वो शॉर्ट फिल्म के बारे में हम बात करें तो क्या इस तरह की शॉर्ट फिल्म अगर आपको मिले और मौका, तो आप करना चाहेंगे? बिल्कुल, डेफिनेट डेफिनेट। और ऐसी शॉर्ट फिल्मों के लिए मतलब हम करते ही रहते हैं, अभी कल भी करने जा रहा हूँ, अभी कुछ अनाथ बच्चों को लेके आया तो उसका कल डॉक्टर से दवा भी लेके आया, रात को फिर एक डोज लूंगा, सुबह मुझे वो शॉर्ट फिल्म करनी है। जी जी, ऐसे एक छोटी छोटी आप ये क्या यूट्यूब आज ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है कि शॉर्ट फिल्म है, अब कहने के लिए वो शॉर्ट फिल्म नहीं है, लेकिन नसीरुद्दीन शाह से और नवाज तक और सारे शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं जी, यूट्यूब पे कर रहे हैं। आजकल के मोबाइल में है सिनेमा भैया,
पिक्चर हॉल में कितने लोग देखने जाते हैं? अभी तो बच्चे जेब से मोबाइल निकाले और उसी पर लग जाते हैं। जिस तरह से मारामारी चल रही है ना, वेब सीरीज और ये और वो जो चल रही है, जिस तरह से वो सेंसर लग जाएगा इसको, आज नहीं कल कल नहीं परसों, या तो ये सुधर जाए, नहीं सुधरेंगे तो फिर लगे रहो। Press the bell icon on YouTube app and never miss another update. Wow.